नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे विंध्य कॉरिडोर का लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 1 फरवरी और दिन है गुरुवार का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बैक कैमरे से और आपको दिखाते हैं पूरा विंध्य कॉरिडोर का लेटेस्ट अपडेट 1 फरवरी तक। आप देख रहे हैं विंध्य कॉरिडोर का, ये है पुरानी व्यापी मार्ग, करीब करीब पूरा कंप्लीट होता हुआ। सामने ही विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, ये बोर्ड, और जैसा कि आपको मालूम है शौचालय की व्यवस्था किनारे की तरफ, दूसरी तरफ पुरानी व्यापी मार्ग पर पानी पीने की व्यवस्था। ये है आपका भौतिक द्वार, काफ़ी शानदार ये लुक है बनने के बाद। करीब करीब पूरा कार्य यहाँ पर पुरानी व्यापी मार्ग पर कंप्लीट होता हुआ। चलिए इस मार्ग से आगे चलते हैं आपको लेकर। ये मार्ग सीधा आगे आपको ले जाएगा कॉरिडोर की तरफ, और जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर ऊपर में बिजली के तार थे उन सभी को अब यहाँ से हटा के अंडरग्राउंड किया गया है, और अब कुछ इस प्रकार का दृश्य है। काफ़ी शानदार ये लुक है और साफ ये मार्ग अभी फ़िलहाल दिखाई देता है। भवनों का सौंदर्यीकरण यहाँ पर, जैसा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आज सारी की बात करूँ दोस्तों, आज है 1 फरवरी और दिन है गुरुवार का। देखेंगे ऊपर की तरफ आपका भवन, सामने ही आप देख रहे हैं ये है आपका आगे की तरफ पुराना यज्ञशाला। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो भवन का कुछ इस प्रकार का दृश्य है परिक्रमा पथ के। चलिए दोस्तों पूरा परिक्रमा पथ आपको घुमा कर दिखाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर अब लाइट भी लगा दिया गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी लाइट लगाया हुआ है। आगे चल के आपको दिखाते हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये प्लास्टिक से ढका हुआ है। आप देख रहे हैं ये नए लाइट लगाए गए हैं। और पिलर की नक्काशी आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का पिलर का नक्काशी है जो देखने में काफी शानदार नजर आता है। और ये आपका बाहर से पूरा परिक्रमा पथ ऊपर की तरफ देखेंगे तो फिनिशिंग किया गया है इसको। चलिए आपको ले चलते हैं अब विंध्य कॉरिडोर को दिखाते हैं, जहां पर मुख्य मंदिर के छत से ऊपर की तरफ ले चलते हैं आपको। फिलहाल दोपहर का वक्त है और इस समय कपाट बंद है, लेकिन आप विंध्य कॉरिडोर का पूरा दृश्य आपको मैं दिखाऊंगा। छत पर पूरा जो
जितने भी आपको खिड़की है सभी में ग्लास लगाने के बाद अब ये अलग प्रकार का इसका खूबसूरती नज़र आता है। काम करीब करीब पूरा होता हुआ सिर्फ फिनिशिंग का काम यहाँ बचा है। और ये है आपका गंगा द्वार। तो चलिए एक बार गंगा द्वार का भी आपको इसी बीच दिखा दे, उसके बाद आपको पूरा परिक्रमा पथ ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको घुमा कर दिखाऊँगा। यह है आपका गंगा द्वार से आने पर कुछ इस प्रकार का दृश्य है। सामने ही माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर और मेरे पीछे में आप देखेंगे तो वो है गंगा द्वार। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, गंगा द्वार की तरफ आपको लेकर। यहाँ आपको दिखाएं तो गंगा द्वार पर रास्ते में ऊपर की तरफ बीम को लगाया गया है पूरे गैलरी में। ये चले जाएगा सीधे आगे जो है परिक्रमा पथ के लिए। और ये आप देख रहे हैं सामने की तरफ गंगा द्वार, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के उसका बीम लगाया जा रहा है और इस बीम के ऊपर में इस प्रकार के लोहे के बीम लगाए जाएंगे पतले वाले। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी शानदार ये लुक है परिक्रमा पथ के आगे गंगा द्वार का। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार का ये लुक है विंध्य कॉरिडोर के गंगा द्वार जाने वाले मार्ग का। आगे आप देख रहे हैं भव्य गंगा द्वार। आप देख रहे हैं पक्का घाट से माँ गंगा का दृश्य। विंध्य कॉरिडोर में एक पक्का घाट की तरफ अभी फिलहाल घाट का काम बचा हुआ है। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर घाट का निर्माण कार्य शुरू होगा। चलिए अब चलते हैं वापस विंध्य कॉरिडोर के प्रथम तल का दृश्य आपको दिखाएं। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं आपको वापस लेकर। आज थोड़ी सी सफाई भी ज़्यादा दिख रही है कॉरिडोर में। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में पूरा बीम लगाने के बाद इस परिक्रमा पथ का दृश्य कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखें गंगा द्वार से आने पर इस प्रकार का द्वार का दृश्य है। यहाँ पर द्वार का काम चल रहा है, सभी दरवाजे लगाए जा रहे हैं परिक्रमा पथ में।
चलिए आगे ले चलता हूँ आपको और दिखाते हैं कोतवाली मार्ग से आने पर यज्ञशाला और यहाँ पर द्वार का निर्माण कितना हुआ है। फिलहाल काफ़ी साफ, क्योंकि जितने भी मलबे थे सबको हटाने के बाद अब परिक्रमा पथ एक अलग ही नज़र आता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा नीचे और ऊपर की तरफ। फिनिशिंग का कार्य करीब करीब कंप्लीट होता हुआ। ऊपर की तरफ लाइट लगा दिया गया सीलिंग में और इस तरफ आपको दिखाऊं कि यह है मंदिर, मुख्य मंदिर जिसका कि जीर्णोद्धार किया जाएगा 72 करोड़ रुपए की लागत से। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर प्रथम तल पर। ये आपने देखा नीचे का दृश्य, एक बार आपको मैं कोतवाली मार्ग से आने पर किस प्रकार का दृश्य है वो आपको दिखाते हैं और फिर ले चलते हैं ऊपर की तरफ। ये आप देख रहे हैं सामने ही कोतवाली आने पर भव्य द्वार का निर्माण और इस तरफ आपका शौचालय भी है। यहाँ पर सामने ही आप देख रहे हैं भव्य द्वार। चलिए एक बार नीचे से मैं पूरा आपको दृश्य दिखाऊं एक साथ किनारे से। अभी लंच का टाइम है और ये आप देख रहे हैं कोतवाली मार्ग से आने पर द्वार, काफ़ी बड़ा ये द्वार है, सबसे बड़ा द्वार। और ये परिसर अंदर में किनारे की तरफ देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर फिनिशिंग का कार्य करीब करीब पूरा होता हुआ परिक्रमा पथ पर। तो चलिए अब चलते हैं आपको प्रथम तल पर लेकर। एक बार फिर से पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊं कोतवाली वाले मार्ग से आने पर किस प्रकार का दिखाई देता है। ये बीचों बीच खड़े होकर मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा 360 घूमकर। चलिए आपको प्रथम तल पर ले चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सीढ़ियों पर ऊपर जाने वाले मार्ग पर यहाँ पर आपका जितने भी मार्बल या ग्रेनाइट लगे थे सब कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर। ये चल जाएगा आपका छत के ऊपर। यहाँ से मैं आपको दिखाएं नीचे की तरफ तो एक अलग ही आपका लुक नज़र आता है। सामने कोतवाली वाले मार्ग का भव्य द्वार। यह है प्रथम तल। एक बार फिर से प्रथम तल का भी आपको पूरा मैं घुमा कर दिखाऊं। यहाँ पर खिड़कियों का काम चल रहा है। सामने की तरफ खिड़कियाँ और ग्लास दोनों लग चुका है। यहाँ से आपको दिखाएं तो ये स्लाइडिंग खिड़की है और सामने ही आपका मालवीय निवासी देवी का भव्य मंदिर इस परिक्रमा पथ से दिखाई देता है। और यहाँ भी आप देखें जैसा कि भीतरी भाग में भी आपका फ्रेम लगाकर एल्युमिनियम ग्लास लगाने का काम चल रहा है। यहाँ से बाहर आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं करीब करीब पूरा काम हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का थोड़ा बहुत काम बचा है। ऊपर है फॉल सीलिंग का काम, लेकिन नीचे में जितना भी टाइल्स था वो सभी लगा दिए गए हैं।
ये आप देख रहे हैं कसम तल, ऊपर है फॉल्स सीलिंग का काम फिलहाल बहुत ही जल्द यहाँ पर शुरू होगा। वायरिंग का काम अभी चल रहा था, फॉल्स सीलिंग अब इसके बाद चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत यह दृश्य है परिक्रमा पथ के कसम तल का। चलिए अब आपको ले चलते हैं छत के ऊपर। छत पर आप देखेंगे यहाँ पर सीलिंग में अग्निशमन के लिए यहाँ पर पाइपलाइन बिछाया हुआ है और वायरिंग की जा रही है। चलिए अब ले चलते हैं आपको छत के ऊपर। ये मैं आ गया हूँ छत पर और यहाँ से अब आपको पूरा छत का दृश्य दिखाऊंगा। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं नीचे में फ्लोर कलर जितने भी टाइल्स थे उनको बिछा दिया गया है और अब एक अलग ही लुक नज़र आता है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपको ये है छत के ऊपर से पूरा परिक्रमा पथ का दृश्य है और इस तरफ आप देखेंगे तो माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा एक बार घुमाकर मैं आपको दिखाऊं छत का दृश्य। चलिए छत से दिखाते हैं कोतवाली मार्ग का भव्य द्वार के ऊपर का दृश्य, वहाँ क्या काम चल रहा है। फिलहाल छत पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये है कोतवाली मार्ग का भव्य द्वार जहाँ पर जितने भी पिलर थे उस पर डिज़ाइनदार ये पत्थर को लगाया गया है। ये है कोतवाली मार्ग के ऊपर का दृश्य। लंच टाइम जिसमें जितने भी यहाँ के कारीगर हैं वो सभी विश्राम करते हुए क्योंकि दोपहर के करीब 1:30 बजने वाले हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं विंध्य कॉरिडोर के परिक्रमा पथ का। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं विंध्य कॉरिडोर का पूरा दृश्य छत के ऊपर से। जैसा कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मुख्य मंदिर का क्या होगा, उसका जीर्णोद्धार होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य मंदिर का परिक्रमा पथ बनने के बाद आपका 72 करोड़ रुपए से सफ़ेद संगमरमर से इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आप न्यू वीआईपी मार्ग पर बन रहे भव्य द्वार का अपडेट आपको देता हूँ। आगे से चले जाएगा आपका न्यू वीआईपी मार्ग की तरफ। सामने की तरफ देख रहे हैं आप न्यू वीआईपी मार्ग से आने पर
कॉरिडोर के पास ये द्वार का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं न्यू वीआईपी मार्ग का भव्य द्वार आपको दिखाते हैं। लाल भवन का सौंदर्यकरण अभी भी बाकी है। विंध्य कॉरिडोर का सबसे छोटा मार्ग है न्यू वीआईपी मार्ग, और सबसे बड़ा मार्ग है आपका कोतवाली वाला मार्ग। यहाँ पर तीन मुख्य मार्ग हैं, कोतवाली मार्ग, न्यू वीआईपी मार्ग और आपका पुरानी वीआईपी मार्ग। चौथा है आपका गंगा द्वार वाला मार्ग। ये आप देखते हैं न्यू वीआईपी मार्ग का भव्य द्वार, जहाँ पर काम करीब करीब यहाँ पर फिनिशिंग का, जिसमें लाइटिंग का काम मुख्य है, जो अभी फ़िलहाल किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं देते हैं विराम और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे ही आपका पुरानी वीआईपी मार्ग से आने पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है भव्य द्वार कॉरिडोर में प्रवेश करने के लिए, और यहीं से आपको अंदर ले चलते हैं। जैसे देख रहे हैं शानदार ये नक्काशी है, यहाँ पर द्वार पर, और ये अंदर जाने का यहाँ पर मार्ग परिक्रमा पथ के। परिक्रमा पथ अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि काम करीब करीब पूरा होता हुआ विंध्य कॉरिडोर का। सामने ही देख रहे हैं, ये है जहाँ से मैं आपको लेकर आया पुरानी वीआईपी मार्ग से आने पर परिक्रमा पथ की तरफ। और अब पहले के मुकाबले काफ़ी शानदार ये परिक्रमा पथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ और खूबसूरत नज़र आता है। तो चलिए अब आपको पूरा परिक्रमा पथ घुमा कर मैं दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर दरवाज़ा भी लगा दिया गया है, और ये लिफ्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी परिक्रमा पथ पर एक लिफ्ट लगा हुआ है।